प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के तरफ से आपका संविदा के आधार पर आपका सिविल इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर का बहाली जो है निकाला गया है। इसमें आपका जो बहाली निकाला गया है, ये आपका टोटल सीट अगर बात किया जाए तो 542 सीट यहाँ पे रखा गया है, जिसमें आपका ये संविदा पे के आधार पे ये आपका जॉब होने वाला है। जो आरक्षण है वो आपका सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो भी निर्गत है वो आपका नियमों के अनुसार आपका आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे जो अर्हता है वो बिहार सरकार के किसी भी विभाग से अगर सेवानिवृत्त नियमित कन्या अभियंता हैं, यानी जूनियर इंजीनियर का रेगुलर बेसिस पे काम कर चुके हैं, और तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। जो सैलरी के बारे में बात किया जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो 2015 में बताया गया था कि किस पोस्ट के लिए कितना मासिक वेतन दिया जाएगा, वो यहाँ पे जो है आपका देने की बात कही गई है। यहाँ पे आपका शर्त रखा गया कंडीशन कि संविदा के आधार पर नियोजन प्रथमतः दो वर्ष अथवा 65 वर्षों की आयु पूरी होने दोनों में से जो पहले हो तक किया जाएगा, है ना। और अगर आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, मतलब नियमित तौर पे रेगुलर बेसिस पे बिहार जेई जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट में, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की उम्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को 60 वर्ष से कम या 63 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 60 से कम नहीं होना चाहिए और 63 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे जितने भी यंग कैंडिडेट है वे लोग घर बैठ के झाल बजाएंगे और जो बूढ़े लोग हैं वो जाकर जॉब करेंगे, है ना। यंग लोग बैठकर झाल बजाएंगे और बूढ़े लोग जाकर क्या जॉब करेंगे। तो ये अपने बिहार की ये जो है नीति है। अब इस नीति को आपको लेकर क्या कहना है, यह आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।